कबीर चौक कबीर पार्क के नाम से कबीर जी की मूर्ति रखी गई थी, जिसका उद्घाटन 4 तारीख को किया जा रहा था। किसी अधिकारी के कहने से, किसी की शिकायत करने से, प्रशासनिक कोई दबाव के कारण आज इस पार्क में कार्रवाई हुई। कबीर जी की मूर्ति के साथ जो छेड़छाड़ की है, मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं भी, इन्होंने समाज से वहाँ की माफ़ी मांगी है। क्या हुड़दंग मचाया, गुरुओं की प्रतिमा को किस तरीके से यहाँ पे अपमानित करने का काम किया, शरेआम सबके सामने है। और कोई कहेगा कि मैं राजनीतिक बात करता हूँ, लेकिन हर चीज़ के पीछे कहीं ना कहीं राजनीति होती है, आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। किस तरीके से यहाँ पे छोटा कांडा आकर उसी ईओ को और उसी एमई को यहाँ से बचा कर लेके गया। ये आज कबीर चौक कबीर पार्क के नाम से कबीर जी की मूर्ति रखी गई थी, जिसका उद्घाटन 4 तारीख को किया जा रहा था। किसी अधिकारी के कहने से, किसी की शिकायत करने से, प्रशासनिक कोई दबाव के कारण आज इस पार्क में कार्रवाई हुई। कबीर जी की मूर्ति के साथ जो छेड़छाड़ की है, मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं भी, इन्होंने समाज से वहाँ की माफ़ी मांगी है, गुरुओं से माफ़ी मांगी है, और प्रशासन ने भी माफ़ी मांगी है। प्रशासन के ऊपर कुछ जुर्माना भी लगाया गया है और वो माफ़ी मांग के गए हैं, अभी हमारे से गलती होगी, लेकिन अब ये पार्क कबीर पार्क के नाम से रहेगा, कबीर जी की मूर्ति लगेगी और ये पार्क का उद्घाटन 4 तारीख को ही होगा। देखिए, मैं मानता हूँ पार्क को इनको नोटिस देना चाहिए था और प्रशासनिक तरीके से हटाना चाहिए था, लेकिन प्रशासनिक जो देखा मैंने, जो उनके कारण जो गलत हुआ है, वो सारे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ माफ़ी मांग के गए हैं, लेकिन मैं इसके लिए ऊपर तक आवाज़ उठाऊंगा कि उन प्रशासनिक अधिकारियों को कुछ ना कुछ सज़ा ज़रूर मिलेगी। मूर्ति यहीं रहेगी इस पार्क के नाम से, आज की डेट में कमेटी लेटर देगी, इनको लेटर मिलेगा। देखिए, किसी भी समाज की गुरु की जो समाज की जो भावना, उसको ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। समाज के जो, जैसे अभी तो हमारे यहाँ कबीर जयंती आने वाली है और उसकी तैयारियों के लिए जो हमारा समाज जो है, वो चाहे घर में भी कबीर साहब की मूर्ति या फोटो लगा के उसकी पूजा अर्चना करके और अपनी भावनाएं व्यक्त करता है। तो प्रशासन को या सरकार को ये नहीं चाहिए कि किसी की मूर्ति की स्थापना करके कहीं भी पूजा अर्चना करें तो उसको तोड़ दें या उसको उखाड़ दें। तो ऐसा सरकार का कार्य जो होता है वो निंदनीय है। ऐसा जी, बीजेपी सरकार ने जो है अपना एक बार फिर दलित विरोधी चेहरा दिखा दिया है। जिस प्रकार एक महान संत की प्रतिमा को खंडित करने का, भेद भी करने का काम किया जेसीबी की मशीन द्वारा, उनके खिलाफ कार्रवाई ना करके सत्ता पक्ष के जो जुड़े हुए लोग हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए यहाँ लोगों को कहते हैं भई हम यहाँ पार्क में आपकी मंजूरी दिला दे देंगे, अरे पार्क की जो मंजूरी दिलाने से जो भेद भी हुई है वो संत की पूरी हो जाएगी। हमारी तो एक ही मांग है कि जिन लोगों ने भेद भी किया है उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए और वो सस्पेंड होने चाहिए। और समाज हमारी जो भी ड्यूटी लगाएगा, तन मन धन से हम समाज के साथ हैं। धरना देगा धरने पर बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे भूख हड़ताल पर, जो आर्थिक मदद गए वो हम देने को तैयार है। संत कबीर जी के यहाँ पर धार्मिक स्थल पर हम सारे एकत्रित इसीलिए हुए हैं कि शरेआम सरसा के नगर परिषद के ईओ ने और उनके साथ एमई ने यहाँ पर आकर क्या हुड़दंग मचाया, गुरुओं की प्रतिमा को किस तरीके से यहाँ पे अपमानित करने का काम किया, शरेआम सबके सामने है। और कोई कहेगा कि मैं राजनीतिक बात करता हूँ, लेकिन हर चीज़ के पीछे कहीं ना कहीं राजनीति होती है, आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। किस तरीके से यहाँ पे छोटा कांडा आकर उसी ईओ को और उसी एमई को यहाँ से बचा कर लेके गया, इसके 2 महीने हैं। एक तो कि जिसने बेइज्जती भी करी उन लोगों का शरेआम उसने साथ दिया कर उनको यहाँ से बचा कर लेके गया, और दूसरी बात एक और इससे आज जो है वो
बिल्कुल स्पष्ट होती है कि किस तरीके से जो भ्रष्टाचार सरसा के नगर परिषद में उसका नंगा नाच हो रहा है भ्रष्टाचार का, उसके पीछे इस ईओ को संरक्षण देने वाला कौन व्यक्ति है जो आकर यहाँ पर आज उनको शरेआम बचा कर लेके गया। एक तरफ सारे समाज की इज्जत और एक तरफ ईओ और एमई, या तो बचा कर लेके गया या तो उसकी चलती नहीं, साफ कह दे कि मेरे पल्ले नहीं है कुछ, या दूसरी तरफ सीधा ये चीज़ स्पष्ट हो रही है कि उनको शह देने वाला ही ये व्यक्ति है। अच्छा, अगर ये कह रहे हैं कि हमने अपमानित नहीं किया, बेअदबी नहीं करी, तो फिर माफ़ी किस चीज़ की मांग के गए हैं? तो कुल मिलाकर अब अगला स्टेप बता दूं इनका क्या होगा, या आप आज पत्रकार भाइयों नोट कर लीजिए, अब आगे जब संतों की जयंती आएगी ना, उस जयंती पे ये अपने आप को ये शो करने के लिए कि हमसे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं है, या पैसे से एक गुरुओं की जो इज्जत है, उनकी प्रतिमा की जो इज्जत है, उसको तोड़ने का काम करेंगे। अभी कहेंगे बोली लगाएंगे 5 लाख 10 लाख 15 लाख, लेकिन उससे इज्जत वापस नहीं आती। एक बार जो इज्जत चली जाए, मैं तो ये कहता हूँ कि ये ईओ और ये जो एमई है, ये कोई मेरी पर्सनल इनसे वो नहीं है, लेकिन जो चीज़ आज सरेआम सबके आगे हुई है, सरेआम बचा कर लेके गया यहाँ से, सब लोगों ने देखा है। और अगर आज कोई व्यक्ति यहाँ के जाता है ना कि कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में उनको सजा हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। जब आज वो मौजूद था, जो लोग कह रहे हैं कि बाद में सजा हो जाएगी, वो यहाँ कुछ नहीं करा सके, बाद में उसको क्या घर से पकड़ के लेके आएंगे? पहले समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एक जो एकता नहीं है, राजनीतिज्ञ लोगों को समाज को बांटने का काम करते हैं और अपनी राजनीति करते हैं, इसीलिए ऐसे लोग कामयाब हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारी इज्जत किस चीज़ में।